हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हो, सिक्स वीडियो है आपका। सिक्स वीडियो में हम लोग को बात करना है क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। सेकेंड टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। थर्ड आपको है क्या, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। यानी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें हम तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू ऑब्टेन द इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब है क्या, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों। तो इस दोनों मिरर में हम लोग जो होता है कि आप इमेज कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल दिया गया है, तो उस रूल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इस फैक्ट देखिए, आपके बुक में क्या होगा, आप जब एस शांत बुक पलटिएगा तो उसमें क्या होता है कि कॉनकेव के लिए अलग से, यही सेम रूल कॉनकेव के लिए है और सेम रूल जो होता है कॉन्वेक्स के लिए है, दोनों के लिए सेम ही रूल है। आपको दिखा रही बुक में एक ही टॉपिक को दो दो बार दिया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए दोनों टॉपिक को एक साथ, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। चार रूल है, आप लोग को ये याद रखना है चार रूल। अगर आप लोग को ये चार रूल याद नहीं होगा तो आप लोग से ये जो आपको टॉपिक है ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स क्या कि आप जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का, वो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए आपको ये चार जो रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का, ये रूल है आपको, इसको आपको एकदम याद करना है, ठीक है ना? तो पहला रूल बात करते हैं, रूल वन। रूल वन में बोलता है कि इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। यदि कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा आपका, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा आपको, फोकस से पास करें या फोकस से पास होता हुआ लगेगा आपको। कैसे देखिए, पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स एक साथ बनाते हैं। पहले ये देखिए कॉनकेव है, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये आपका हो गया क्या, पोल, ये हो गया फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बताए थे कि पोल और फोकस के बीच का दूरी और फोकस सेंटर के बीच की दूरी सेम होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, इसको 2 बाइसेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फोकस आएगा, ठीक है? तो देखिए, ये कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। देखिए ये रे, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो आप ये पता है आपको रूल क्या होता है, रूल वन में आपको पढ़े हैं क्या कि यदि कोई भी रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे गया, आपको ये फोकस से जाएगा, ये रूल होता है। सपोज कि यहाँ से भी कोई और रे है, ये भी ऐसे आया, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा आपको, फोकस से पास करेगा। यानी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रहा है। ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रहा है। ये आपको हो गया। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में देखिए, ये आपको हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब यहाँ हम देखते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये कोई रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा या अपीयर्स टू पास, यानी पास होता हुआ लगेगा। अपीयर्स टू पास जो होता है वो कॉन्वेक्स के लिए होता है। देखिए ये इधर जाएगा आपको, क्योंकि आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि ये आपको डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कि ये आपका ऐसे गया, अब इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड हम लेके जाएंगे तो कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड रे आपको फोकस से पास कर रहा है, ठीक है? सेकेंड देखिए, एक और पैरेलल रे हम लेते हैं, ये भी रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा आपको, ये डाइवर्ज करेगा और इसको जब बैक साइड ले जाएंगे तो देखिए ये फोकस से पास करेगा। इसीलिए हम लिखे यहाँ पे क्या, पास और अपीयर्स टू पास। इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास और अपीयर्स टू पास। पास किसके लिए है, इस कॉनकेव के लिए पास है,
क्योंकि देखिए यहाँ से रियली पास कर रहा है तो इसके लिए पास है, और यहाँ पे क्या वर्चुअली पास कर रही है इसके लिए क्या है आपको टॉपिक अपीयर्स टू पास। यानी समझ में आ गया रूल वन कि यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास और अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड रूल, रूल टू। इफ एनी रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर it will return back to the same path. If any ray parallel to principal axis after reflection is returned back to the same path. यदि कोई ray principal axis के यदि कोई ray center of curvature से pass करता है, rule 2 क्या है, यदि कोई ray center of curvature से pass करता है तो reflection के बाद ये क्या होगा आपको वो path पे वापस चला आएगा। देखिए कैसे, ये आपको हो गया कॉनकेव, ये देखिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, देखिए यदि कोई रे ये आया ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ऐसे, देखिए ये रे जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, तो इस केस में यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो इस केस में ये रे क्या करता है अपने वोन पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है ना, वापस जिस पाथ पे आता है उसी पाथ पे रिटर्न चला जाता है। याद रखिए यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पाथ पे आया है उसी पाथ पे रिटर्न चला जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स में हम लोग देखते हैं, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ पे भी सेम चीज क्या है आपको पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे भी क्या है कि कोई भी रे देखिए ऐसे ये रे है आपको ये लग रहा है कि ये लग रहा है आपको क्या कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता, अगर ये मिरर नहीं होता यहाँ पर रोकने वाला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता, तो अगर अपीयर्स टू पास हो तब भी ये यहाँ से यहाँ टकराएगा और ये लगेगा कि अगर हम डॉटेड लाइन खींच के देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकता था तो इस केस में भी ये यहाँ से टकराने के बाद रिटर्न बैक चला जाएगा, ठीक है, यानी कोई रे यहाँ पे आया टकराए टकरा के वापस चला गया आपको, ठीक है, यानी ये हो गया, यानी कोई भी रे अगर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करे या अपीयर्स टू पास करता हुआ नजर आए, इस दोनों ही केस में क्या होगा वो अपने सेम पाथ पे रिटर्न चले जाए। देखिए ये आया ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करता तो इस केस में ये यहां से रिटर्न चला गया, तो ये रूल 2 हो गया। चलिए रूल 3 पे आते हैं, इफ एनी रे पासिंग थ्रू फोकस इट और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस After reflection, it becomes parallel to principal axis. यदि कोई भी रे फोकस से पास करे या फोकस से पास होता वो अपीयर हो तो इस केस में क्या होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। रूल 1 का जस्ट उल्टा है रूल 3। रूल 1 में क्या था, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, रूल 2 में यदि कोई रे फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। देखिए कैसे हो रहा है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या है आपको यदि कोई रे देखिए डायरेक्ट ये देखिए यदि कोई रे फोकस से पास करे, देखिए ये रे फोकस से पास कर रहा है तो क्या होगा यहां से टकराने के बाद एटमिस रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इफ एनी रे पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपको, समझ में आ रहा है ना रूल 1 का उल्टा। देखिए यहां से ऐसे लाइट जा रहा है और ऐसे जा रहा है, और रूल 2 में क्या है ऐसे लाइट जा रहा है और पैरेलल हो जा रहा है, जस्ट उल्टा है। यदि कोई रे फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। उसी तरह देखिए कॉन्वेक्स में भी, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए यहाँ क्या होता है कि यदि कोई रे सेम चीज यदि कोई रे फोकस पे आ, देखिए जैसे कि ये रे है आपको ऐसे ये रे इस पे आ रहा है, अब ये रे क्या लग रहा है आगे लग रहा है कि ये फोकस से पास करेगा, ठीक है ना,
थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ देखिए ये कोई रे है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास करेगा। देखिए जैसे कि बढ़ाने पे ये फोकस से पास करता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में भी क्या होगा, ये यहां से टकरा करके और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आया इंसिडेंट रे, ये वर्चुअली लग रहा है कि फोकस से पास करता, तो इस केस में भी क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों समझ में आया ना, मेन कॉन्वेक्स समझना जरूरी है क्योंकि इसमें आपको इसमें जो डायरेक्ट दिखता है इसमें थोड़ा सा इसमें अनुमान लगाया जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो गौर से देखिएगा। समझ में आ रहा है, फिर कैमरा चेक कर लेते हैं। चलिए कैमरा चल रहा है। हाँ तो समझ में आ गया ये बात, ये टॉपिक समझ में आ गया आपको। चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड तो बहुत ईजी है कि यदि कोई रे, जैसे कि देखिए कॉनकेव, देखिए इसमें डायरेक्ट इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए डायरेक्ट ये कॉनकेव है, तो यदि कोई रे पोल पे आता है, इंसिडेंट रे पोल पे आता है, हम इस पे देख लिए, इस पे देख लिए, अब लास्ट पोल बचा है, यदि कोई रे पोल पे आता है तो रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, तो ये जो एंगल बनाता है इसको आई मान लेते हैं, एंगल बनाता है इसको आर मान लेते हैं, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यानी यदि कोई रे पोल से, यदि कोई इंसिडेंट रे पोल पे अपीयर होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है, आफ्टर रिफ्लेक्ट जब ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि तो ये एंगल एंगल यानी इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल आई है वो, और प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बाय एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। सेम चीज आपको कॉन्वेक्स में भी होगा, देखिए कॉन्वेक्स में सेम चीज कॉन्वेक्स में भी होगा, इसमें भी सेम चीज है। देखिए कि यदि कोई रे, ये पोल है, ये फोकस और ये सेंटर कर्वेचर, यदि कि रे ऐसे आपको आया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, तो एंगल आई और एंगल आर, ये एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चार रूल आपको हमेशा याद रखना है, बहुत जरूरी है, बिना इस रूल जाने हुए आप इमेज फॉर्मेशन नहीं सीख पाइएगा। पहला फिर से एक बार बता दें कि इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर्स टू और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, रूल वन। रूल टू, इफ एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, सेम चीज हो रहा है। थर्ड रूल, इफ एनी रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसके बाद थर्ड वीडियो, इफ एनी रे सॉरी फोर्थ, इफ एनी रे पासिंग थ्रू पोल पोल इन दिस केस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये चार रूल है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग का ये जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, अभी हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसको हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ देखिए स्टूडेंट, तो अभी हम लोग बात करना है क्या, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात है क्या कि आप लोग को ये छह फिगर ये फॉर्म होता है, यहाँ पे छह फिगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ट्रिक है, उस ट्रिक के हिसाब से आप लोग को बनाना है, चार रूल को अप्लाई करके आपको बनाना है, ठीक है, तो वो आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। पहले देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितना इमेज बनता है, तो पहले देखिए कॉनकेव मिरर है आपका, पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये आपका हो गया है क्या पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बहुत दूर का कोई जगह है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या कि इस मिरर से बहुत दूर पे, बहुत दूर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको जो होता है कॉनकेव मिरर, देखिए हर मिरर जो होता है अलग अलग टाइप का इमेज बनाता है। एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में सिर्फ प्लेन मिरर यूज करते हैं, तो आपको लगता है क्या कि प्लेन मिरर जैसा इमेज बनाता है वैसे ही सारे इमेज बनाता है हर टाइप का मिरर, ऐसा नहीं होता है। आपको जो होता है मिरर का अलग अलग टाइप होता है, और हर मिरर जो होता है अलग अलग तरह का इमेज फॉर्म करता है। अलग अलग तरह का इमेज कहने का मतलब है क्या
कि कोई मिरर जो होता है आपका उल्टा इमेज बना देगा, कोई इमेज आपका जो होता है सीधा इमेज बनाएगा लेकिन बड़ा बना देगा, कोई मिरर आपका एकदम छोटा इमेज बना देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे होता है, तो ये चीज, ये सारा टाइप का मतलब कि वेरिएशन ऑफ इमेज वो आपको कॉनकेव में मिलता है। कॉनकेव जो होता है बहुत तरह का इमेज फॉर्म करता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है आपको मिरर से कितने दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है क्या कि कॉनकेव मिरर जो होता है, आप जब कॉनकेव मिरर के पास खड़े रहिएगा तो कॉनकेव मिरर जो होता है बहुत तरह का इमेज फॉर्म करता है। आप वो आप जैसे कि बहुत दूर पे है कॉनकेव मिरर, अगर सामने आपके है आप कॉनकेव मिरर से बहुत दूर पे एकदम छोटा सा इमेज आपको फॉर्म करेगा, ठीक है ना, और सीधा इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन आप जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के पास उल्टा इमेज फॉर्म करेगा, जब आप कॉनकेव मिरर से बहुत दूर पे हैं, ठीक है ना, तो बहुत छोटा और उल्टा इमेज फॉर्म करेगा। यानी पैर आपको, सर आपको ऊपर है पैर नीचे है तो उल्टा कर देगा, पैर सर नीचे दिखाएगा उस मिरर में और पैर ऊपर दिखाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे जैसे आप कॉनकेव मिरर के पास बढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के पास बढ़ते जाइएगा तो आपका इमेज उल्टा ही बनेगा। जैसे मार्कर आपका ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा आपको यहाँ मार्कर रखे हुए हैं, लेकिन जब उस मिरर में देखिएगा तो मार्कर आपको ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा कॉनकेव मिरर में। तो आप कॉनकेव मिरर जैसे कि यहाँ पे ये देखिए इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे आप जब खड़े होइएगा, इनफाइनाइट पे तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट पे आप ये खड़े हैं, ये जो तीर है आप बनाए, ये इनफाइनाइट पे आप खड़े हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट इस मिरर के ऊपर में बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत छोटा उल्टा बनेगा। यानी उल्टा तीर ऐसे है ना, तीर ऐसे बनेगा उल्टा, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे आप उसके पास बढ़ते जाइएगा, आपके इमेज का साइज जो होता है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा आपका, बढ़ेगा लेकिन उल्टा ही बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि उल्टा समझ में आ चुका है, उल्टा क्या होता है, उल्टा इमेज बनेगा। और ऐसे सीधे जाते जाइएगा, जैसे ही आप एफ और पी के बीच में आइएगा यहाँ पे, तो आपका एक बैक सीधा इमेज बन जाएगा, सीधा और बड़ा इमेज बन जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है क्या कि इस मिरर से आप कितने डिस्टेंस पे है उस पर डिपेंड करेगा कि ये आपका इमेज किस टाइप का बनाएगा। तो हम लोग को कॉनकेव मिरर टोटल 6 तरह का इमेज फॉर्म करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, 6 तरह का इमेज डिपेंड करता है कि मिरर से आप कितने दूरी पे। ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि मिरर जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 तरह का इमेज फॉर्म करता है, और ये डिपेंड करता है कि आप मिरर से कितने दूरी पे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम अभी 6 तरह के इमेज का पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ये कॉनकेव मिरर है हम ले लिए, पहला पढ़ेंगे नंबर 1 जी की जब ऑब्जेक्ट आपको इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट मतलब इस मिरर से बहुत दूर पे हो, तब ये मिरर किस तरह का इमेज इस ऑब्जेक्ट का फॉर्म करेगा। सेकंड, जब ये जो आपको मिरर है, ये ऑब्जेक्ट मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, तब ये किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है तो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो तब किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। नंबर 3 फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे तो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। नंबर 5 कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। और नंबर 6 जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ पोल के बीच में हो तो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। तो देख रहे हैं 6 तरह का इमेज है। पहला इनफाइनाइट पे, फिर इसको बोला जाता है नंबर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, इसको बोला जाता है बियॉन्ड सी, ठीक है बियॉन्ड सी। और उसके बाद फिर क्या है आपको सी और एफ के बीच में, और उसके बाद क्या है एफ और पी के, एफ पे और एफ और पी के बीच में, ये टोटल 6 तरह का इमेज फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन करना, कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, फर्स्ट उन्हें पढ़ेंगे कि कब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे हो तो क्या होगा। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं,
ये कॉनकेव मिरर है आपका और ये है आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से दो पैरेलल रे आएगा आपको, इनफाइनाइट पे दो पैरेलल रे आएगा। और आप जानते हैं पहली बात कि दो रे ही क्यों लिए है, दो रे इसीलिए हमने लिया है कि इमेज कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टू रे का होना जरूरी होता है। तो मान लेते हैं इनफाइनाइट क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसे दो रे आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप जानते हैं रूल क्या होता है, रूल वन में हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास करता है, ठीक है ना। ये रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा। ये भी पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। तो यहाँ पे कटेगा, हम बताए थे आपको कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करता है वहां पे क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा। समझ में आया बात, ये देखिए फिर से सुनिए कि यहाँ पे ये जो आपको इंफिनिटी पे दो जो ऑब्जेक्ट है उससे दो पैरेलल रे आया, तो दो पैरेलल रे आने के बाद इस मिरर से यहाँ टकराया, टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, रूल वन आप लोग पढ़े अभी जस्ट रूल कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। एक रे इधर से फोकस से पास किया, दूसरा रे आया दूसरा रे इधर फोकस से पास किया, दोनों यहाँ पे कट किया और यहाँ पे फोकस पे इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म किया, ठीक है ना। ये इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म किया क्योंकि यहाँ पे मीट कर रहा है आपको, तो ये किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। अब दीपे अब हम बात करेंगे आपको इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। तो ऑलरेडी आप जानते हैं क्या कि ये किस तरह का इमेज फॉर्म कर रहा है, बताइए आप लोग। हम बताए थे आपको इमेज फॉर्मेशन में जब दो सॉलिड रे एक दूसरे को रियली कट करता है तो किस तरह का इमेज बनता है आपको, रियल इमेज। या देखिए ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्ट, दोनों जिसको रियली कट कर रहा है कि नहीं, तो रियल इमेज बनेगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये रियल इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा। रियल क्यों होगा समझ में आ गया, क्योंकि ये दो रिफ्लेक्टेड है एक दूसरे को रियली कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा क्या, आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, एकदम छोटा ऑब्जेक्ट बना है, तो ये उल्टा है कि सीधा है ये आपको पता चल रहा है क्या, नहीं पता चलेगा कि पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट ये इमेज होता उल्टा है कि सीधा है। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि रियल इमेज जब भी होगा 100% कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं है, रियल इमेज जब भी होगा याद कर लीजिए एकदम, तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो हम यहां लिखेंगे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड करने का मतलब क्या, उल्टा। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इस मिरर में ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा, ऐसा उल्टा। तो यानी याद हो गया ना आप लोग को, याद कर लीजिए रियल इमेज जब भी बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होता है। तो रियल इन्वर्टेड हो गया फर्स्ट। सेकंड, इमेज कहाँ बना है, इमेज बना फोकस पे, तो लिखेंगे एट फोकस, इमेज फोकस पे बन रहा है। फ्रंट ऑफ मिरर की बिहाइंड द मिरर, रिफ्लेक्टिंग साइड जो होता है वो फ्रंट ऑफ मिरर कहता है और वो बिहाइंड द मिरर, तो फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, ये फ्रंट ऑफ मिरर हो गया। तो रियल इन्वर्टेड हो गया, एट फोकस इमेज बन रहा है और साथ में फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद इसका साइज कैसा होगा, साइज, अब इस इमेज का साइज हाईली डैमेज्ड होगा। हाईली डैमेज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। डैमेज्ड का मतलब होगा, देखिए हम लोग टर्न यूज करेंगे और इमेज का साइज बताने के लिए, डैमेज्ड, उसके बाद हाईली डैमेज्ड, हाईली डैमेज्ड, डैमेज्ड, फिर आपको क्या होता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो डैमेज्ड का मतलब होता है कि अब छोटा, और हाईली डैमेज्ड का मतलब होता है बहुत छोटा। या इमेज देखिए बहुत छोटा है, यहाँ क्या लिखेंगे, हाईली डैमेज्ड लिखेंगे, यानी बहुत छोटा इमेज बन रहा आपको, ठीक है ना। ये फर्स्ट इमेज हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं नंबर टू, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ठीक है ना।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट इज, इस फिगर को मिटाते हैं हम लोग। अब सेकेंड पे आते हैं, हाँ देखिए, when object is beyond the sea, beyond का मतलब क्या होता है, beyond मतलब पहले, center of curvature के पहले object होगा, तो किस तरह का image form करेगा वो, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना, हमारे पास तो अभी lockdown है, तो मेरे पास जो होता है वो rounder नहीं है, तो आप लोग को घर पे उससे बनाना है। कैसे, आपको क्या करना है कि pencil जो होता है उसके अंदर में डाल लेना है, और यहाँ पे अच्छा ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम वहाँ से मार्केट से देखते हैं अवेलेबल होगा तो, नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको रटना नहीं है, फिगर अपने आप बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर बताएंगे, तो देखिए ये आपको जो होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये आपको हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है हम यहाँ रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज, हम ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगा और इमेज फॉर्म करवाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म कराएंगे। तो यहाँ पे जो है हम देखिए, पहले कि ये एक रे आया आपको, देखिए हम छह फिगर में, अभी एक फिगर तो कंप्लीट हो गया, बाकी पांचों फिगर में याद रखिए एक रे फिक्स है कि हम एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, और जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आपका रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है, तो वही काम होगा। ये रे आपको आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से कर गया आपको। ये छह फिगर में ये कॉमन है, ये सारे फिगर में ये काम पक्का करेंगे, एक रे को हमेशा लेके इसमें पहले और फोकस से पास कराएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं, आपको रूल के हिसाब से कैसे भी इमेज बना सकते हैं आप। पहले देखिए हम इमेज फॉर्म करा देते हैं, सेकेंड रे को पास कराना है तो कहाँ से पास कराए हम, तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो ये रे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना। तो क्या इमेज फॉर्म किया, नहीं फॉर्म किया, क्योंकि एक ये क्या है, ये वाला आपको जो होता है रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला लाइट, और ये वाला अभी क्या है आपको इंसिडेंट रे है। कभी भी एक रिफ्लेक्टेड रे और एक इंसिडेंट रे मिल करके इमेज फॉर्म नहीं करता है, दो रिफ्लेक्टेड रे जब कटेगा तभी इमेज फॉर्म करेगा। तो ये इधर आया और ये तो रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड कब बनेगा, जब यहाँ से टकराने के बाद वापस जाएगा। क्यों वापस जाएगा, क्योंकि अब जस्ट रूल पढ़े हैं कि इफ एनी रे पैरेलल टू, इफ एनी रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों यहाँ कटा, तो इमेज फॉर्म कहाँ करेगा आपको, इमेज फॉर्म इस पॉइंट पे करेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देते हैं ओ ए, ओ ए आपका ऑब्जेक्ट है, और इमेज फॉर्म कर रहा है आपको यहाँ पे, तो ये इतना बड़ा इमेज फॉर्म करेगा, इसका नाम क्या होगा ओ डैस ए डैस, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, चलिए इसको ओ डैश करते हैं, ये ओ डैश, और इसको करते हैं ए डैश, ओ डैश ए डैश, देख रहे हैं ना उल्टा इमेज फॉर्म कर रहा है, यानी देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है, दैट मींस क्या इन्वर्टेड इमेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके नीचे इमेज फॉर्म कर रहा है, दैट मींस ये किस तरह का इमेज है आपका इन्वर्टेड इमेज है। तो ऑब्जेक्ट आपको वही है और इमेज यहाँ है आपको, ठीक है ना। आप बोलिएगा सर हम ये बात नहीं है, आपको चार रूल पड़े, चार रूल के हिसाब से हम कैसे ही बना सकते हैं इमेज, तो आपको मन है क्या कि नहीं हम सेंटर कर्वेचर लाइट को पास नहीं कराएंगे, तो पोल से पास कराएंगे, ये अगर इधर से पास कराते पोल से तो रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे कट करेगा, ठीक है, और इमेज यहीं पे बनेगा। आप कहने का मतलब ये है कि लाइट को आप कहीं से भी ले जाइए रे को,
वो हमेशा इसी पॉइंट पे कटेगा और इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगा। तो ये दो रे कटा, ये इमेज फॉर्म क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बना रहा, तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। तो एक दो सॉलिड लाइन से कट रहा है, तो ये किस तरह का इमेज होगा, पहला आपको होगा क्या, रियल, रियल। एंड आप जानते हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, दिख भी रहा है कि उल्टा है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकेंड क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का है क्या आपका, नहीं है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है आपका, छोटा है, तो होगा क्या, डैमेज्ड, डैमेज्ड होगा इमेज। और तीसरा, तीसरा ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन, इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। और उसके बाद क्या, फ्रंट ऑफ मिरर बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये भी याद कर लीजिए कि रियल इमेज जो होगा वो हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। चार आपको रूल बताए थे, शायद ये रूल नहीं लिखवाए होंगे हम पांचवा में, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। फ्रंट ऑफ मिरर है, बिहाइंड द मिरर, ये चार प्रॉपर्टी आपका हो गया, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, डैमेज, बिटवीन सी एंड एफ, फ्रंट ऑफ मिरर, ये चार प्रॉपर्टी इस इमेज का हो गया। आपको जो होता है रटने का जरूरत नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, अगर स्टेशनरी की दुकान खुला होगा तो कॉपी पे हम बना के दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे कॉपी बनाना है अगले वीडियो में, और आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, और आज हम देखते हैं मार्केट में शाम में मिलेगा तो आपको कॉपी भी बना करके हम ये बताएंगे, कॉपी बताने वाला चीज़ है, मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो अभी बोर्ड पर बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। इससे कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर आपको हो जाएगा, बाद बाकी एक दो फिगर हम वो कॉपी बना के दिखा देंगे, उस बेसिस पे आप लोग को बनाना है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये क्लियर हो गया हमारा। अब हमको कहाँ बात करना है, तीसरा बात करना है क्या, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। चलिए अब बात करते हैं तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए ये हो गया आपका कॉनकेव, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो एक रे हम आपको बताएं कि छह फिगर में एक रे कॉमन है कि एक रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना है, तो ये रे को देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखती है हम, और आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करेगा आपका, फोकस से पास करेगा, तो देखिए ये फोकस से पास कर गया। अब सेकेंड रे आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है किधर से पास कराइए, आपको मन है तो यहाँ से ले जाइए पोल से यहाँ पे पास कराइए, मन है आपको तो इसको यहाँ से ले जाइए और बाद में इसे पैरेलल हो जाएगा, तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू बुक हम बता देते हैं, बाकी आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जो होगा रे ऐसे जाएगा, ऐसे ले जाएंगे, तो क्या रूल हम लोग पढ़े थे कि इफ एनी रे पास थ्रू फोकस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे देखिए फोकस से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते हैं, तो यहाँ कटा, तो ये देखिए इसके जस्ट नीचे कर कटा आपको, ये ऑब्जेक्ट है आपको ओ ए और ये ओ डैश ए डैश, तो देख रहे जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है बड़ा इमेज है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके नीचे अपने आप आ जाए, ये आप इसके नीचे हमको याद करना पड़ेगा क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके नीचे इमेज, कोई फिगर याद करने का जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे आपको बिना याद किए हुए वीडियो को बना, ये आपको फिगर को बना लेना है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आपको याद करने का ही
हम बता रहे कैसे ऐसे होता है, समझा दे रहे कैसे इमेज बनता है, और याद करने की जरूरत नहीं है, वो अगले वीडियो में बताएंगे कैसे आपको बनाना है। हाँ तो देखिए ये पैनल हो गया, यहाँ पे कट के यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी लिखते हैं क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी कि इमेज होगा क्या रियल, और साथ में क्या होगा इन्वर्टेड, क्योंकि हम बताएं क्या कि रियल इमेज हमेशा क्या आता है, हम रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये रियली कट कर रहा है तो रियल इमेज बन रहा है, और हमेशा ये इस देखे इसके नीचे इमेज बन रहा है ना, उल्टा इमेज बन रहा है, तो रियल इन्वर्टेड। चलिए सेम, फिर ये क्या और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है बड़ा क्या है आपको इमेज है, यानी यहाँ पे ओ ए इक्वल टू क्या है ओ डैश ए डैश, इसीलिए क्या होगा आपको ये सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर में है। इमेज कहाँ बन रहा है आपको एट एफ, एफ दैट मीन्स के फोकस, इमेज आपको बन रहा है कहाँ पे फोकस, सॉरी इमेज आपको कहाँ बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब तीसरा डी, फ्रंट ऑफ मिरर बिहाइंड द मिरर, तो रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, याद कर लीजिए, तो फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना, ये चार प्रॉपर्टी इसका हो गया। एक रे पैरेलल पिक्सेल एक्सिस से पैरेलल गया, और आपको रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया, बताएं कि छह फिगर में ये काम करना है, और एक सेकेंड रे को आपके मन में डिपेंड करता है किधर से पास कर रही है, लेकिन हमें आप फोकस से पास कराए तो हम जानते हैं कोई भी रे फोकस से पास कराए तो आपका रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाता है, पैरेलल यहाँ कट किया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका चार प्रॉपर्टी हो गया। तो तीसरा जो होता है फिगर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चौथा फिगर देखते हैं। चौथा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो क्या होगा, ठीक है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये इसके बीच में तो क्या होगा। तो देखिए पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी और एफ के बीच में। तो देखिए सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को डाल दिए, ये वही ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। तो आपको बताया है कि सौ फिगर में क्या कॉमन है, एक रे को हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना है। तो आप क्या कीजिएगा, इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगा आपको फोकस से पास करेगा, आपने रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया, ठीक है, ये फोकस से पास किया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए सेकेंड रे के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें आपको बहुत समझने वाला बात है, बहुत समझने वाला बात है कि एकदम गौर से याद कीजिए, खास और इसको बड़ा कर देते हैं कि बड़ा जरूरत है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, एक सोल्यूशन है कि इसको हम यहाँ पे पोल पे ले गए, यहाँ कट किए तो यहाँ इमेज फॉर्म करेगा आपको, लेकिन हम लोग को वो रूल अप्लाई करना है क्या कि एक जो होता है आप जानते हैं क्या कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो ऑप्टर या पास करे, यदि ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर आपको, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे या पास करता हुआ अपीयर्स होता है, करे या फिर अपीयर हो मतलब लगे कि वो सेंटर कर्वेचर से पास कर जाएगा, तो इस केस में वो अपने जो जिस पाथ पे आ रहा था रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे वापस रिटर्न आ जाता है। फिर से सुनिए, यदि कोई रे, जो रूल हम लोग पढ़े थे उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है या पास होता हुआ अपीयर होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे रिटर्न चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हम यहां से स्केल ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे आपको घर पे ऐसे बनाइएगा, देखिए ऐसे रखे हम पेन, गौर से देखिए, एक रे हम ऐसे इसका लिए हैं, एक रे ऐसे, आप जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है लाखों रे निकलता है,
तो कोई भी दो रे लेकर के इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से एक रे निकला ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक रे निकला ऐसे, यहाँ से टकराया, और ये रे क्या होता है, क्या क्या लग रहा है आपको, वर्चुअल ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए हुए रे है ना। इस केस में यहाँ से टकरा करके और बैक साइड में ये जाएगा और रियली में सेंटर से टकर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए इस पॉइंट पे आकर के कटेगा। ध्यान सुनिए फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। हमको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल को ऐसे रखना है कि सेंटर ऑफ कर्व, एक एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पॉइंट यहाँ, इस दोनों पे ऐसे रख करके स्केल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन क्या आपको लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ जा 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 आ रहे हैं, ये कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है। तो यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट ये रियली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके यहां कट करेगा और इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से जब कॉपी रहेगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉपी पे हम सारा फिगर आपको बताएंगे, तो ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है क्या, कि ये रे ऐसे निकालेंगे, ऐसे रे हम चूज करेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट होता है, इसे बहुत सारा रे निकलता है, इधर 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 इधर, आप कोई भी रे, ये रे सिलेक्ट करके आप इसका इमेज फॉर्म दिखा सकते हैं, इसको भी, इस दोनों को लेकर इमेज फॉर्म दिखा सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से भी तो इधर 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 बहुत सारा रे निकल रहा है ना, तो हम चूज किए एक और एक रे इधर वाला और एक रे ऐसे जो इससे निकला होगा वो, ये रे जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रे क्या लग रहा है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में है, इसके आपको जो होता है स्ट्रेट लाइन में है। इस केस में अब ये बोले ना कि यदि कोई रे ऐसा लगे भी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रियली पास करेगा, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा, वही चीज यहाँ हो रहा है, रियली रिटर्न हो रहा है। और ये दोनों रे, ये इंसिडेंट रे था, वापस आया था, बन गया रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों यहाँ कट किया, इस ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ फॉर्म किया। तो देखिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया ओ डैश, ये पॉइंट हो गया ए डैश, इतना बड़ा इमेज फॉर्म किया, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज क्या बड़ा। तो धीरे धीरे अब क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन के मिरर में, ऑब्जेक्ट जितना पास जा रहा है मिरर के उतना ही बड़ा इमेज होते जा रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी होगा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड क्या होगा, मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है, जब आपको ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बने तो उसको बोलते हैं क्या, मैग्नीफाइड बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बने तो उसको बोलते हैं क्या, मैग्नीफाइड बोलते हैं। तो ये मैग्नीफाइड हो गया। तीसरा इमेज कहाँ बन रहा है आपको, तो बियॉन्ड सी, आउटसाइड सी भी लिख सकते हैं इसको, तो आउटसाइड सी, सी के बाहर बन रहा है आपको। और उसके बाद ये फ्रंट ऑफ मिरर की बिहाइंड द मिरर, ये क्या है, फ्रंट ऑफ मिरर, ये बन रहा है इमेज आपको क्या, फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि आप जानते हैं रियल इमेज हमेशा आपको फ्रंट ऑफ मिरर बनता है और इन्वर्टेड होता है। तो इससे इसलिए हम बोल रहे थे कि फिगर में आप देखिएगा, 6 फिगर, तो आपको क्लियर हुआ बहुत सारा कॉन्सेप्ट, इसे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर होता है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है ना। वो अगले जो होता है, हम 6 जो होता है वो पिक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट, अब हम लोग देखते हैं क्या पांचवा, फिफ्थ, ये आपको टॉपिक लिख देते हैं पहले, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट आपको फोकस पे हो तो क्या होगा। देखिए ये आपका हो गया मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ तो देखिए ये फोकस हो गया आपका, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपको, यहां पे
हमको ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ पर, फोकस पर रखना है, पांचवा में फोकस पर रखे। तो ये आपको बताए हैं रूल कि एक रे हमेशा फेस पर एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास कराएंगे। और सेकेंड रे कैसे लेंगे हम आपको, अब इसके बाद सेकेंड रे आपको हम बताए हैं अभी, सेकेंड रे आपको कैसे लेना है। अब तो बड़ा तो स्केल भी मेरे पास नहीं है। हाँ देखिए, सेकेंड रे हमको ऐसे लेना है, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ कर देंगे, और इस दोनों को यहाँ पे ऐसे रखे, देखिए दोनों लाइन को मिला दिए इस दोनों पॉइंट को। अब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की है, ये स्ट्रेट लाइन क्या लग रहा है आपको, आप रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा आपको, रिफ्लेक्ट ये स्ट्रेट ये ऐसे रह गया। अब ये रे क्या करेगा आपको, आफ्टर ये क्या लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रहा है आपको, इस केस में वो वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और रियली सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करते हुए इधर जाएगा आपको। देखिए एक रे इधर से इधर आया, देखिए यहाँ से इधर आया और इधर पास किया, सेकेंड रे यहाँ से आया ऐसे टकराया इसे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पास किया। अब ये दोनों रे क्या लग रहा है, पैरेलल पैरेलल लग रहा है, दोनों कट कर रहा है आपको क्या, ये दोनों आपको रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको पता है जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे कट करता है वहीं पे इमेज फॉर्म करता है, तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तो कट नहीं कर रहा है तो क्या इमेज फॉर्म करेगा। मे बी अगर हल्का सा ये ऐसे पैरेलल बोला जाता है, लेकिन हल्का सा भी इसे सीधे होगा तो बहुत दूर जाने पर कहीं ना कहीं तो कटेगा आपको, ये बहुत दूर जाने पर कटेगा। मान लेते हैं कि सपोज कि ये दोनों हम बढ़ा देते हैं, यहीं आके कट गया, सपोज यहाँ आके कट गया, तो इसको आगे बढ़ाया तो इमेज कितना बड़ा बनेगा, देखिए इतना बड़ा इमेज बनेगा। हालांकि ये कटेगा नहीं, बहुत दूर पे जाके कटेगा, तो बहुत दूर पे जाके कटेगा तो इमेज क्या बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा आपको, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। वही बात है क्या कि इसका इमेज कैसा बनता है आपको, इसका इमेज बनता है क्या, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये इमेज बनाता है क्या, हाईली मैग्नीफाइड। तो देखिए इसका क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, अगर कहीं भी कटेगा सॉलिड तो सॉलिड कटेगा ना, तो रियल होगा आपको इमेज बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड क्या बनेगा आपको, हाईली मैग्नीफाइड होगा, और उसके बाद क्या होगा, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, और उसके बाद क्या होगा, ये फ्रंट ऑफ मिरर की बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर होता है, फ्रंट ऑफ मिरर। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट फ्रंट ऑफ मिरर, और कहाँ बनेगा इमेज, एट इंफिनिटी, यानी कहाँ बनेगा आपको पता नहीं, जहां भी बनेगा, जहां भी कटेगा बहुत बड़ा इमेज बनेगा, तो क्या होगा, एट इंफिनिटी। ये हो गया आपको पांचवा। तो आपसे बहुत बच्चे जो होते हैं कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये कॉनकेव जो होता है रियल, ये इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों तरह के इमेज फॉर्म करता है, तो हाँ बिल्कुल इन्वर्टेड इरेक्ट दोनों इमेज फॉर्म करता है। तो देखिए उसका जवाब हम बताए थे वीडियो में देंगे, तो देखिए आप वीडियो यहाँ पे, वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, यानी फोकस और पोल के बीच में हो तो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है, F एंड P। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर, ये पोल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होगा, याद रखिएगा, स्केल से नाप के लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है। तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया हम, क्या रूल होता है, एक रे ऑलवेज फेस पर एक्सिस के पैरेलल होता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गया, ठीक है। अब सेकेंड रे क्या है आपको, सेकेंड रे जो होता है बताए हैं आपको कैसे लेना है, आपको कैसे लेना है आपको, तो ये लाइन, ये डॉट और ये डॉट कीजिए, और इस पर एक जो होता है आप ये ले लीजिए, यहाँ पे स्केल रख लीजिए ऐसे, एक रे इधर गया
और रिफ्लेक्ट होके किधर आएगा, वापस आएगा कि लग रहा है सेंटर से वैसे पास कर रहा है तो। और ये आपको जो होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे दोनों के बीच में गैप बढ़ते जाएगा आगे जा करके। तो भाई यहाँ पे दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है तो इधर तो ये कटेगा नहीं दो रिफ्लेक्टर पे, तो आपको इमेज तो फॉर्म करना है ना। हम बताए थे कि जब दो रिफ्लेक्टर रे जहां पे कट करता है वहां पे क्या परफॉर्म करता है इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर रे इधर तो कटने से रहा क्योंकि बीच में गैप बढ़ते जा रहा, तो इधर कटेगा नहीं। तो आपको पता है कि तब क्या करेंगे, तो इस केस में जब दो रिफ्लेक्टर रे इधर नहीं कटता है तो उसको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। तो ये रिफ्लेक्टर रे पीछे कहाँ है, यहाँ आ गया, इसको पीछे की ओर बढ़ाए। अब ये जो रिफ्लेक्टर है इसको भी क्या किया हम पीछे की ओर बढ़ाए, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा इस ऑब्जेक्ट, ये OA ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनेगा यहीं पे, इसका क्या होगा O डैश A डैश, ये इमेज फॉर्म किया। ऑब्जेक्ट है OA, इमेज क्या है आपका O डैश A डैश, ये आपका इमेज है। तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या हो रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है इतना छोटा, इमेज क्या बड़ा इमेज बन रहा है आपको। लेकिन पहली बार हमको आया है क्या इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधा, ठीक है ना। इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज है ना, तो ये क्या है सीधा, यानी मार्कर जैसा आपको है ये मार्कर, ये यहाँ जैसे दिख रहा है मिरर में भी वैसा ही दिखेगा आपको। हाँ वो अलग बात है कि इसका साइज जो होता है मिरर में बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है आपको, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका डॉटेड लाइन से बनना इमेज किसको बनेगा क्या वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा फ्रंट ऑफ मिरर बिहाइंड द मिरर, रियली इमेज जो होता है वो फ्रंट ऑफ मिरर होता है, ये वर्चुअल इमेज है तो देखिए पीछे बन रहा है मिरर के, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर उसके बाद तीसरा, यानी ये जो इमेज है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तीसरा कि ये कहा ये बिहाइंड द मिरर हो गया, और क्या इसका प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हाँ बड़ा है ना ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा आपको मैग्नीफाइड, इमेज क्या होगा मैग्नीफाइड, ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टी और चौदह प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी और एफ के बीच में, इसके बीच में इसके बीच में है नहीं, डायरेक्ट मिरर के पीछे बन रहा, तो डायरेक्ट यहाँ ऑलरेडी दिखा चुका है बिहाइंड द मिरर। तो हो गया ये आपको हो गया छह तरह का इमेज, यानी कॉनकेव मिरर पांच कंडीशन में आपको जो होता है उल्टा इमेज बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में सीधा इमेज बनाता है, कब जो ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहते हैं। याद रखिएगा कॉनकेव मिरर हमेशा एक ही टाइम वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहता है, बाकी सारे केस में क्या बनाता है वो रियल इमेज। इसीलिए आपको कॉनकेव मिरर आपको जो होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों तरह का इमेज बनाता है, इरेक्ट इन्वर्टेड तब बनाएगा, सारे कंडीशन में आपको इन्वर्टेड ही इमेज बनाएगा, बस एक कंडीशन में इरेक्ट इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में हम लोग रखते हैं। तो अब आई थिंक कि अब आप लोग का डाउट जो होता है कॉनकेव के जो होता है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा था, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसीलिए अब हम लोग जो होता है ये जो लास्ट टॉपिक है इसको हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसको सिक्स वीडियो में पढ़ेंगे और लगभग सिक्स वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हम लोग को पास पढ़ना है मैग्निफिकेशन रूल, रूल जो होता है वो पढ़ना है और न्यूमेरिकल हम लोग को, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन ही, न्यूमेरिकल में तो समय लगेगा आपको, थ्योरी पार्ट जो होता है अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल बनाना है, एक एक न्यूमेरिकल हर बच्चे से बनेगा, बस आप बढ़िया से बुक पढ़िए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।